चुनावी बांड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2023 को चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका दो गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज, ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के द्वारा दायर की गई थी, ठीक है। अभी चुनावी बॉन्ड क्या होता है समझिएगा, तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है। पार्टी ने, ठीक है, बहुत सारे पार्टी ने, ठीक है, फंड लेने का, ठीक है, चंदा लेने का एक नया तरीका निकाल दिया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2023 को चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका दो सरकारी गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ जिसको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा मतलब जारी किया गया था। एक का नाम था कॉमन कॉज और दूसरा कॉमन कॉज और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा चुनावी बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। ब्याज मुक्त बांध का उपयोग राजनीतिक दलों को, ठीक है, गुमनाम रूप से धन, ठीक है, व्यक्ति गैर सरकारी संगठन ट्रस्ट आदि दान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, गुमनाम रूप से। जैसे मान लीजिए आप बीजेपी पार्टी हो, ठीक है, मैं आपको फंड दे रहा हूँ, ठीक है, तब फंड आपको दे रहा हूँ तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आपको दे सकते हैं। इसमें तीन तरह के करेंसी में नोट दिया जाएगा, ठीक है, देखेंगे। पहले तो एक तो कम से कम 1,000 रुपया, या फिर 10,000 रुपया, या फिर 1 लाख रुपया, या फिर 10 लाख रुपया, या फिर 1 करोड़ रुपया में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं, मतलब 1,000 रुपया के गुणक में, 10,000 रुपया के गुणक में, 1 लाख के गुणक में, ठीक है। उसके बाद बात करें क्या, तो बात करें 11-10 लाख के गुणक में, 1 करोड़ के गुणक में, मतलब दिया जा सकता है। मतलब चुनावी एक तरह से चंदा हो गया, ठीक है, चुनावी चंदा हो गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत अधिक कांग्रेस इस पे बहुत अधिक टारगेट कर रही है गवर्नमेंट को, से गवर्नमेंट मतलब लोगों से गलत तरीके से पैसा ले रही है, ठीक है। इसको मतलब आप क्या किया गया, तो यहाँ पे इसके लिए एक ही अधिकृत शाखा से चुनावी बॉन्ड को खरीदने के लिए ना, इस चुनावी बॉन्ड को खरीद केवल भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ही जा सकते हैं, दूसरी जगह से नहीं खरीद सकते। अब जो भी व्यक्ति इस पैसा को पे करेंगे, जैसे मैंने आपको दान दिया था, मेरा नाम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बीजेपी पार्टी हो, मैं आपको फंड कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा नाम नहीं होगा, पता नहीं चलेगा से दान किसने दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, दाता को एसबीआई को चेक या डिजिटल तंत्र नगद की अनुमति नहीं है के माध्यम से राशि का भुगतान करना आवश्यक है, ठीक है। दाता को कैसे फंड करेंगे, मतलब दाता को एसबीआई को, ठीक है, दाता को एसबीआई को चेक या डिजिटल तंत्र के माध्यम से राशि का भुगतान करना आवश्यक है। मतलब एसबीआई को हम कैसे देंगे, मतलब 10,000 रुपया हमको दान करना है, तो एसबीआई को चेक के माध्यम से या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, ठीक, कैश नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दल को ऐसे बांडों को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुना सकेंगे। मान लीजिए राजनीतिक दल के पास ऐसा बॉन्ड गया, जैसे मैंने 10,000 रुपया का मतलब बॉन्ड दे दिया, राजनीतिक दल उस 10,000 रुपया का बॉन्ड को एसबीआई में जमा करके उसको फिर कैश करवा सकते हैं, ठीक है। भुनाया नहीं गया तो एसबीआई ने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देगी। अगर मान लीजिए 15 दिन के अंदर में उस पैसा को कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको अगर कन्वर्ट नहीं करवाती, भजाती नहीं है, तो पैसा सीधे कहाँ पे चला जाएगा, तो एसबीआई के फंड में चला। इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम नोटिफाइड, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति कंपनी कितने बॉन्ड खरीद सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मान लो 500 करोड़ हमको दान देना है, तो 500 करोड़ रुपया का बॉन्ड खरीद के हम सरकार को दान कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल गुमनाम स्रोतों से 2,000 रुपए तक नगद स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले दिक्कत क्या था ना, राजनीतिक बॉन्ड को पहले किसी पार्टी को फंड करना पड़ता था, तो 2,000 रुपया से ज्यादा तक हम उनको नगद दान नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए 500 रुपया दान देना, तो पता होना चाहिए 500 रुपया कहाँ, 5,000 रुपया कहाँ से आ रहा है। अब 5,000 करोड़ रुपया दान देंगे तो कोई आम आदमी तो नहीं देगा ना, क्या आप तो नहीं दे सकते, हम तो नहीं दे सकते, कोई बड़ा बड़ा पार्टी, कोई बड़ा बड़ा कंपनियां ही, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी दान देगी। और जब 500 रुपया, 5,000 करोड़ रुपया जब बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी देगी, तो सरकार पे तो ये आरोप लगेगा ना, ये सरकार जो है ये रिलायंस कंपनी से मिली हुई है, ताकि गवर्नमेंट बनेगा तो रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाया जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने चाल करके, बीजेपी की सरकार ने हालांकि किया है, ये एक चुनावी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मतलब ला दिया। अब इसमें अनलिमिटेड पैसा मतलब दान में दिया जा सकता है, उस आदमी का नाम नहीं आएगा, समझ रहे हैं। जी सर, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है, नेक्स्ट टाइम में मेंस के टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के टॉपिक में आ भी सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें पूछिए, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी इसकी की याचिका मतलब दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो गलत है कि सही है। ब्याज मुक्त बॉन्ड का उपयोग राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन देने के लिए किया जाएगा। इसमें व्यक्ति भी दे सकता है, ट्रस्ट भी दे सकता है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी दे सकती है, कंपनियां भी दे सकती है। किस किस गुणक में पैसा जाएगा, तो 1,000 के गुणक में जाएगा, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। किस जैसे बैंक से इसको खरीदा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किस बैंक से खरीदेंगे, एसबीआई से सर, एसबीआई से खरीदेंगे। एसबीआई से मान लीजिए 10,000 रुपया के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदेंगे, तो एसबीआई को कैश दे देंगे, उसको चेक में भुगतान करेंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे।
चेक और डिजिटल सर, यानी कि ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक दल को ये बॉन्ड जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने बीजेपी के लिए मतलब बॉन्ड मतलब खरीदा, ठीक है, बीजेपी को पैसा देने के लिए बॉन्ड बीजेपी का खरीदा, तो ये बीजेपी उस बॉन्ड को कितने दिनों में एसबीआई से भजा सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल कितने दिन में भजा सकती है उसे? 15 दिनों के अंदर सर। 15 दिनों का। अगर 15 दिन के अंदर में अगर राजनीतिक पार्टी इस बॉन्ड को नहीं अगर करती है, भुनाती है, मतलब उसको नहीं भजाती है, कैश नहीं करवाती है, तो कहाँ चला जाएगा पैसा? प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा सर। प्रधानमंत्री राहत कैश में चला जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे तो कितना बॉन्ड खरीद सकती है, अनलिमिटेड सर, कोई सीमा नहीं अनलिमिटेड है। खरीद सकती है। लेकिन इससे पहले बॉन्ड को, इससे पहले अगर दान देने की, गुमनाम दान देने की कितना तक था, उससे अधिक तक आप गुमनाम दान नहीं कर सकते, कितना तक कर सकते थे? 2000 तक सर, नगद स्वीकार दो कर हजार तक सकते कर थे। सकते था। उसके बाद मतलब क्या होता था, नाम बताना पड़ता था, ठीक है, नाम बताने पर सरकार का आरोप लगता था, सर आप उस आदमी से मिले हुए हैं, ठीक है, तो इसको आपको जी ध्यान में रखना है। चलिए आप चलेंगे स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र। स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र क्या था, तो पीयूष गोयल ने निवेश व्यापार नीति 2023 के तहत, ठीक है, स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र का अनावरण किया। ये कंप्यूटर स्वचालित प्रमाणन प्रणाली है, संबंधित मंत्रालय की बात के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FTP 2023 के, 2023 के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लगभग, ठीक है, 20 हजार निर्यातकों को स्टेटस होल्डर के रूप में मान्यता देगा। स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र क्या था, तो यहाँ पे और भी चीज जान लेते हैं। FTP क्या है, यहाँ पे FTP, ठीक है, 2023 का लक्ष्य की बात करें, 2030 तक भारत के निर्यातों को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है, ध्यान में रखिएगा। तो मतलब भारत का अभी कितना है, लगभग $4 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमिक हो चुका है, ठीक है, कितना हो चुका है, और 3 ट्रिलियन का पहले ही था, $4 ट्रिलियन का होने वाला है, ठीक है, इसको 2030 तक बढ़ाकर और भी $2 ट्रिलियन ऊपर करना है। FTF 2023 के 4 स्तंभ है, छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है, व्यापार करने में आसान या उभरते क्षेत्र, ठीक है, तो ध्यान में आपको क्या रखना है, स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र, ठीक है, पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति FTF, ठीक है, FTF फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है, FTF का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत, ठीक है, स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र का अनावरण किया है। मंत्रालय कौन होगा, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, मतलब इसका क्या रहेगा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ठीक है, 2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है, ठीक है। हरित क्रेडिट कार्यक्रम, ठीक है, GPC, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लाइव पहल के तहत 2 योजना शुरू की। तो हरित क्रेडिट कार्यक्रम GCP की बात करेंगे, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लाइव पहल के तहत 2 योजना को शुरू किया। पहला योजना की बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना। उद्देश्य की बात करेंगे, उद्देश्य के पर्पस क्या है, तो सतत जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण पहल को बढ़ावा देना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करेंगे, तो ग्रीन क्रेडिट की खरीद और बिक्री के माध्यम से स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना। एक है इको मार्क योजना, ये क्या था, तो विशिष्ट पर्यावरण मानदंडों को पूरा करने वाले घरेलू और उपभोक्ता उत्पादों की मान्यता और लेबलिंग प्रदान करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो के साथ साझेदारी में इको मार्क योजना का संचालन करता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, केंद्रीय क्रेडिट कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ पे क्या था, केंद्रीय नहीं, हरित क्रेडिट कार्यक्रम है, ठीक है, लाइफ पहल के अंतर्गत 2 तरह का योजना को शुरू किया गया है। एक क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, और दूसरा क्या है, इको मार्क योजना है, ठीक है, दोनों योजना ध्यान में रखिए, दोनों को, दोनों योजना जो है आपका पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, विशेष नहीं इसमें कुछ है। मेरा युवा भारत, ये कौन सा योजना है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत, माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी। उद्देश्य क्या रहेगा, तो युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण के लिए समान पहुंच प्रदान करना। युवा समुदाय सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु पुल के रूप में कार्य कर सकेगा, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ठीक है, मेरा युवा भारत किसका है, तो ध्यान रखें केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। क्या काम करेगा, तो राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप इसे, ठीक है, 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लाभ होगा, ठीक है, तो युवा को डिफाइन करने के लिए 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष को, ठीक है, इन्होंने मतलब काउंट किया है। इसे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किनकी स्मृति दिवस है,
जन्म दिवस किनकी, स्मृति दिवस किनकी है? पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जन्म पटेल दिवस स्मृति किनकी है? तो इंदिरा गांधी जी की। ठीक भाई, है, स्मृति कौन है आपका? पुण्यतिथि कहते हैं उनको। अब बात करेंगे भारत कौशल 2023-24 क्या है। तो संबंधित मंत्रालय की बात करें, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जिनसे संबंधित मंत्रालय है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में 11वां स्थान अब तक सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, तो यही ज्यादा नहीं था, इसमें इतना ही था इसका। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ ताकि चीजें आप लोग को याद रहे। इसमें से एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न आ सकता है, चुनावी बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम नोटिफाइड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनके सारे फैक्ट तो आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है ये सही है कि नहीं है इसको लेकर। अभी इसको हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया कि गलत तरीके से राजनीतिक पार्टी इसमें फंड लेने के काम करेगी। दूसरा जो था स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र की बात करेंगे, तो पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति FTA फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र का अनावरण किया है। संबंधित मंत्रालय की बात करेंगे, वाणिज्य में उद्योग मंत्रालय होगा। उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है, तो 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है निर्यात को ले जाना है। किसको ले जाना है? निर्यात को ले जाना है। ठीक है, मतलब हम लोग निर्यात करने लगे 2 ट्रिलियन। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है? तो $4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की थी, लेकिन अब अप्रोक्स $4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। हरित क्रांति कार्यक्रम की बात करेंगे, पर्यावरण से संबंधित है। लाइफ पहल के तहत 2 योजना को शुरू किया गया है। लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? योजना मैं की बात किस करेंगे, ग्रीन क्रेडिट कंपनी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जिसको GCP कहते हैं, दूसरा जो इको मार्क प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि दोनों के दोनों पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके मेरा युवा भारत की बात करें, केंद्रीय मंत्री के एक स्वात निकाय मेरा युवा भारत माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। युवा का विकास करना इसमें मुख्य रूप से विश्वास मतलब उद्देश्य रहेगा। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को इससे लाभ होगा। भारत कौशल 2023-24 की बात करेंगे, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता की बात करें, 11वां स्थान है अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग स्थान है। तो भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में कौन सा रैंक को प्राप्त किया है? तो 11 नंबर को रैंक को प्राप्त किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोले थे 20 क्वेश्चन करेंगे राष्ट्रीय का, तो थोड़ा सा जो भी होता है वो करेंगे। उसके बाद सेट शुरू करेंगे, बिहार शुरू करेंगे, एस्पेक्ट लक्ष्मीकांत बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। खादी महोत्सव की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। ठीक है, नारायण राणे की बात करेंगे, तो नारायण राणे किस पार्टी से आते, क्या बताएंगे? नारायण राणे, शिवसेना। हाँ शिवसेना से आते नारायण राणे। ठीक है, BJP के LI है। ठीक है, मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें न केवल खादी उत्पादों को प्रदर्शन किया गया बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, प्रदर्शनी भी लगाई गई। ठीक है, अगर पूछे खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो सिंपल प्रश्न आपको ध्यान में रखना, कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ खादी महोत्सव, क्या बताएंगे? तो मुंबई में खादी महोत्सव का हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप चलते हैं, जम्मू कश्मीर ने 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का दर्जा दिया है। ठीक है, ODF का क्या आप लोग मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री। डेफिकेशन तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। पीएम मोदी ने 100% गांवों को, ठीक है, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की है। ठीक है, श्रेणी की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत मॉडल श्रेणी में, ठीक है, तो अगर पूछेगा कौन सा इस राज्य का गांव जो है 100% ODF मुक्त हो चुका है, तो क्या बताएंगे? जम्मू। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कौन होगा? जम्मू कश्मीर। आप चलेंगे दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे की बात करेंगे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा वित्त पोषित दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे को लॉन्च किया है। यह रेलखंड जाकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की घनी आबादी वाली राजधानी बाडुंग से जोड़ देगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगी? जकार्ता को जावा प्रांत बिल्कुल ठीक है ध्यान, जाकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की घनी आबादी वाली राजधानी बाडुंग से जुड़ी, क्योंकि बाडुंग सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, बताऊंगा कभी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे किसके सहायता से बनाया गया है? तो चीन की ने फंड किया है। ठीक है, गतिशील निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा क्या है? निषेधाज्ञा क्या है? तो गतिशील, दिल्ली उच्च न्यायालय ने
कप के प्रसारक, ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कप के प्रसारक स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक गतिशील निषेधाज्ञा पारित की, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 वेबसाइटों को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के मैचों का अवैध प्रसारण करने पर रोक लगा दिया। निषेधाज्ञा एक कानूनी अदालत द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक आदेश है जो आमतौर पर किसी को कुछ करने की रोकने के लिए प्रयोग होता है। कॉपीराइट कार्यों को सार्वजनिक रूप से जारी करने, वितरित करने, बनाए जाने से पहले उनकी सुरक्षा के लिए गतिशील, ठीक है, निषेधाज्ञा पारित की जाती है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे कार्यों को नकली वेबसाइटों पर अपलोड किए जाने वाले आसन्न संभावना के कारण इनके लेखकों और मालिक का कोई अपूर्णीय क्षति ना हो, ठीक है। मतलब तो कॉपीराइट वगैरह को लेकर अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या बोला जैसे सर वेबसाइट होता है ना साइट, है, वह वेबसाइट वगैरह, तो ये लोग क्या कर रहा था ना, से आईसीसी वर्ल्ड पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो रहा था उसका मैच कप उसको कोई दिखा होता रहा था, ठीक है। है। ये यस तो सर, मैच किसको किसको डायरेक्ट नुकसान हो रहा था, सीधे से डायरेक्ट नुकसान किसको, स्टार स्पोर्ट को होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब स्टार स्पोर्ट ने मतलब जाके अपना केस वगैरह किया होगा, तो उनके फेवर में फैसला देते हुए जो जो ऐसा कर रहे थे उनके ऊपर मतलब रोक लगा दिया है, ठीक है। अब अभी हाल फिलहाल में एक फैसला है ना, किसी के क्या बोलते हैं उनको, नकल उतारना, मिमिक्री, मिमिक्री भी नहीं कर सकते, ठीक है। मिमिक्री करना भी कॉपीराइट माना जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यस सर, हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त बात करेंगे क्या था यहाँ पे, जैसे हम लोग भी कोई मतलब किसी कोचिंग का मटेरियल डालते हैं तो नहीं कॉपीराइट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से हाँ कोचिंग का मटेरियल, अगर आपको कोचिंग का मटेरियल चाहिए फ्री में अगर मिल जा रहा है आपको, तो चलो आप उसका लाभ ले रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए वो मटेरियल आपको चाहिए नहीं मिल रहा, तो आप जाके कोचिंग से खरीदोगे तो उसको तो पैसा तो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से चीजें आपको फ्री में मिल रही तो उसको तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, तो यस सर, इसीलिए कानून मतलब क्या है तो कार्य करती है, ठीक है। नहीं तो सर हम लोग किसी का मटेरियल लेकर और प्रिंट करवा कर बेचेंगे सर मार्केट में ना, उसको कहा जा सकता लिखा रहता है साहब, इसको बिना परमिशन का प्रिंट करवा के बेच उच नहीं सकते, है तो ठीक उसी है। को कॉपीराइट हो गया सर। हाँ, तो अतिरिक्त तथ्य की बात करेंगे तो यूटीबी बनाम, ठीक है, यूटीबी बनाम 1337 एक्स केस नंबर 2023 2019 दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार गतिशील निषेधाज्ञा का अवधारणा पेश की। कॉपीराइट अधिनियम कब है, तो 1957 है, कब है, 1957 कॉपीराइट उन्नीस अधिनियम क्या कहता है, धारा 37 प्रत्येक प्रसारण संगठन के दिए गए विशेष अधिकार से संबंधित है। धारा 39 अपवाद प्रदान करती है जब ऐसी सामग्री के, ठीक है, पुनः रूपांतरण को उचित व्यवहार माना जा सकता है और कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 साल की 12 साल होता है, आई थिंक 10 साल तक उसका वो मतलब ना कॉपीराइट रहता है, उसके बाद 10 साल के बाद सर नहीं होता है, सर, जैसे कि से सबसे अच्छा एग्जांपल है किसी का वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना सर। तो तुरंत कॉपीराइट आएगा। लेकिन लेकिन जैसे मान हाँ लीजिए किसी अभी जैसे किसी इनका क्या नाम, मुंशी प्रेमचंद्र जी का आप छापेंगे कुछ कॉपी करके, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है। कोई लिमिट होता है, इतने वर्षों तक का राइट उनके पास होता है, उसके बाद अगर उसका दोबारा अगर व्यवहार वगैरह करते तो उसके साथ कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है, उसका भी एक लिमिट समय होता है। तो आपको ध्यान में रखना, कॉपीराइट अधिनियम की बात करेंगे तो 1957 संबंधित है। आप चले हिमानी कॉपीराइट के लिए जी, 60 साल था ना, वही 50 की 60 साल कुछ लेखक की है। मृत्यु के 60 साल तक हाँ, कॉपीराइट ऐसा होगा। ही तो है, हमें मुंशी पेटेंट प्रेमचंद शायद के बारे में कहीं 25 भी था, पढ़े पेटेंट थे और क्या। ट्रेडमार्क शायद 25 था, पेटेंट और ट्रेडमार्क। हाँ वही है, सब मतलब लेखक की मृत्यु के बाद इसे मुंशी प्रेमचंद के जी का कुछ छापिए, आप बेचिए जितना बेचना है, ठीक है, कोई नहीं, कॉपीराइट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कोई जीवित है बेचारा, उसको रॉयल्टी वगैरह मिल रहा है उससे, उसी का किताब का छापना शुरू कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत है, मरने के बाद भी रॉयल्टी मिलता है, ठीक है, वही 60 वर्ष, सही बता, 60 वर्ष तक रहता है, ठीक है। हिमानी झील विस्फोट बाढ़ क्या आया, तो सिक्किम के हिमनद झील के फटने से आई बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो गई या 102 लोग मतलब थे लापता हो गए। सिक्किम में हिमनद झील के लगातार बारिश के कारण दक्षिण लहोनक झील के फटने के बाद उत्तरी सिक्किम में अचानक बाढ़ आ गई, इससे तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया, ठीक है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा के हाँ, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी, ठीक है। दक्षिण लोहनक झील एक हिम नदी झील है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, झील है कितनी हाइट पे, 17,000 फीट पे। अब जब इसमें क्या होगा, झील के फटेगी तो क्या होगा, क्या होगा, पानी पहाड़ से बाढ़ आ नीचे आएगा, जाएगा अब पानी पहाड़ से सर। कहाँ जाती है, नदी में जाती है, नहीं, यस सर, नदी में ऑलरेडी पानी का जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगा, तो यही सिक्किम में किस झील के, कौन सा झील है, लहोनक झील, ठीक लोहोना। है, एक ऐसा झील है तो हिम नदी झील है, ठीक है, ध्यान रखें, इसी पे 17,000 फीट पे है, ठीक है। तो इसी के फटने की वजह से क्या हुआ, तो बाढ़ आई है, 14 लोगों की मतलब क्या हुई है, तो मौत हो गई है, ठीक है।
देखिए पर ये जो है ना परफेक्शन आईएएस मुजफ्फरपुर में भी है, ठीक है, दिल्ली के बाद डायरेक्ट मुजफ्फरपुर, बीच में पटना भी आता है। पूर्णिया में कौन हिसाब से खोल दिया समझ में नहीं आया, क्यों खोला पूर्णिया में? हाँ तो से डूटेरिया वाला भी खोला है सर, इसलिए नहीं सबसे दूर पड़ता है ना, इसलिए झारखंड वाले भी आ जाएंगे। लगता साइड इलाका इसलिए खोल दिया है क्या, बंगाल को कवर करेगा क्या यहाँ से? आप बंगाल चलेंगे ग्लेशियर झीलें, पानी के बड़े भंडार होते हैं जो पिघलने जब पिघलने ग्लेशियर के सामने ऊपर या नीचे स्थित होते हैं। ग्लेशियर झीले अधिकतर अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टान और मलबे से बनी तलछट से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यदि उनके चारों ओर सीमा टूट जाता है तो इससे निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है जिसे गलोफ कहते हैं। ग्लोफ के कारण भूकंप, अत्यधिक भारी वर्षा, बर्फीले हिमस्खलन या भूस्खलन, मतलब ग्लोफ के कारण क्या है, भूकंप आएगा उसके वजह से भी हो सकता है, बहुत अधिक बारिश होगी उसके वजह से भी होगा, बर्फीले हिमस्खलन या फिर भूस्खलन होगा तो भी मतलब हो सकता है, ठीक है, मतलब ऊपर का जो पानी जो हिमनद का मतलब पिघल के मतलब या फिर किसी भी तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ की में चोरावारी ताल हिमनद के कारण एक गोल्फ हुआ था, ठीक है, और कितना बड़ा तबाही था आप लोग तो जानते ही, उत्तराखंड वाला, ठीक है, भगवान न करे कभी ऐसा देखने को, हजारों लोगों की मौत हो गई थी। एम एस स्वामीनाथन की बात की, इनका निधन हो गया 28 सितंबर 2023 को, निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में, 2 साल और जीवित रह जाते हैं, 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया। क्या थे? एक प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक और उन्हें भारत में हरित हरित क्रांति का क्रांति जनक जैसे माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा उन्हें आर्थिक, ठीक है, उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। धान की अधिक उपज देने वाले किस्मों को विकसित करने का भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें? प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, ठीक है, उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में। उसके बाद उन्होंने तारावानी चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका था 1971 का। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिल चुका 1986 का, टाइम पत्रिका द्वारा, ठीक है, 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से भी एक उनको माना गया, ठीक है। दो पुरस्कार याद रखेगा, रमन मैग्सेसे 1971 में, और खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1987 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी 2004 में, ठीक है, क्यों बनाई गई थी? तो 2004 में किसानों के आत्महत्या के चिंताजनक मामलों के बीच किसानों के संकट को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। कब बनी थी स्वामीनाथन कमेटी, क्या बताएंगे, दो बताइए, हजार बोलते चार रहिए, बोलते क्यों नहीं आप लोग? 2004 में सर, 2004 में बनी थी, ठीक है। आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। यह सुझाव दिया गया कि न्यूनतम बिक्री मूल्य एमएसपी के उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% अधिक होनी चाहिए, ठीक है। आयोग ने यह सुझाव दिया था एमएसपी को बढ़ाने का, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कुछ चीजें ध्यान में रखना है। एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में, कहाँ पे, चेन्नई में हुआ, क्या थे ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। दूसरी की बात करेंगे, उन्हें प्रथम खाद्य पुरस्कार कब मिला था ये बता दीजिए। 1987 रमन मैग्सेसे है, 1971 स्वामीनाथन आयोग कब आया दो था, हजार क्यों आया था स्वामीनाथन, क्यों बनाया गया था स्वामीनाथन आयोग? किसानों के आत्महत्या के लिए सर, जो है चिंतन के लिए। हाँ तो मतलब क्यों हो रहा है, नहीं चिंताजनक मामला है कि क्या क्या चीज कैसे सुधारा जा सकता है इन चीज को लिए, क्या सुझाव दिया था? तो सुझाव दिया कि न्यूनतम बिक्री मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम मतलब 50% अधिक होना चाहिए। सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी। कहाँ पे है ये, संबंधित राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तेलंगाना जो है इसे संबंधित राज्य है, ठीक है। अब बात करेंगे सरका है कि समक्का, इधर समक्का लिखा हुआ है, समक्का शर्लम्मा जतरा, लामा दो मुलुगु में एक द्विवार्षिक त्योहार है, इसे अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, क्या जी है यार, यार समक्का शरलामा जतरा, क्या है ये, आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, कहाँ पे मनाते हैं, मुलुगु में, ठीक है, द्विवार्षिक, ठीक है, 2 वर्ष में द्विवार्षिक, द्विवार्षिक का मतलब क्या होता है, 6 महीना पे एक बार, वर्ष में दो बार, साल में एक बार,
वो साल तो में एक बार। अर्धवार्षिक होता है सर, 6 महीने अच्छा, ये वाला। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार। नहीं, ये ठीक सर है। 2 वर्ष में। समक्का सरका मंदिर देश के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, यूनेस्को विश्व स्थल। ठीक है, रमपम्पा मुलुगु से लगभग, ठीक है, 15 रमपम्पा मुलुगु से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब ये जगह कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे ये जगह? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान में इसको रखना है। सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शमक्का शरलाम्मा जात्रा क्या है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, इसको द्विवार्षिक त्योहार है। आदिवासियों का कुंभ मेला भी इसको कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऊषा, ऊषा 44 धान किसकी का सर, किस्म है? धान की धान किस्म से। सर? ऊषा किसकी किस्म है? ठीक है, धान का किस्म है। तो वर्ष 2024 ने, पंजाब वर्ष 2024 से पूसा 44 धान की किस्म, जो कि गैर बासमती की खेती पर प्रतिबंध लगाएगा। क्यों लगाएगा प्रतिबंध? तो यह उच्च उपज देने वाला किस्म धान की खेती के तहत राज्य के कुल क्षेत्र 70 से 80% कवर करती है। प्रतिबंध का कारण क्या है? यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे पकने में 160 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कितना होगा 160 दिन? लगभग 5 महीना से लगभग अधिक। 6 महीना, 5 महीना, 10 दिन सर, 5 महीना से एवरेज। अधिक। यह अन्य किस्मों के तुलना में लगभग 35 से 40 दिन अधिक समय लेता है। इसे सिंचाई में 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है। इसे भूजल स्तर में गिरावट आई है। इसका उद्देश्य किस पर प्रतिबंध लगाकर 1 महीने के सिंचाई जल का संरक्षण करना है। इसकी विस्तारित परिपक्वता अवधि के कारण पूसा 44 की कटाई, गेहूं के बुआई अक्टूबर के अंत से ठीक पहले की जाती है। ठीक है, इससे पंजाब में पराली जलाने की समस्या बढ़ गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो पंजाब सरकार ने मतलब क्या किया है, पूसा 44 बैन कर धान की दिया किस्म पे प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, ध्यान में। पूसा यूनिवर्सिटी की बात करें, कृषि यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिला में है? पूसा में समस्तीपुर। थी। हाँ ठीक है, समस्तीपुर में है। ठीक है, कहाँ पे? समस्तीपुर में पूसा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, पास में ही, मुजफ्फरपुर से तो पूसा पास में ही। आप चलेंगे यहाँ पे, क्या क्या चीज थी तो ध्यान में रखिएगा। 70 से 80% भूमि पे होती थी, गैर बासमती किस्म है। 160 दिन लग जाते थे, 35 से 40 दिन एक्स्ट्रा लगते थे अन्य अन्य धान की तुलना में। 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, जिसे भूजल के स्तर में गिरावट आई है। इसका उद्देश्य किस में प्रतिबंध लगाकर 1 महीने के सिंचाई जल का संरक्षण करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। इससे मतलब पराली जलाने की समस्या में भी कमी आएगी, इस पर रोक लगा दिया जाएगा। तो अतिरिक्त फैक्ट की बात, डार्क फ्यूल। डार्क फ्यूल क्या होता है? तो भूजल की कमी के दूर बिल्कुल पुनः भरमण की दर से अधिक हो गई है। ठीक है, पानी में 200 से 300 फीट या उससे अधिक की गहराई पर चले गए हैं। केवल गहरे ट्यूबवेल का उपयोग करके निकाला जा सकता है, इसको डार्क जोन कहते हैं। ठीक है, मतलब पानी का भूजल स्तर काफी नीचे नीचे चला गया है। ठीक चले है, गए ये जो आप चलिए। न्यूज आपका क्लिक के खिलाफ यूपीए, न्यूज क्लिक के खिलाफ क्या लगा? यूपीए लगाया। ठीक है, यूएपीए लगाया। ठीक है, न्यूज क्लिक क्या है? एक वेबसाइट थी। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां, ठीक है, रोकथाम अधिनियम, यूपीए कब आई थी? 1967 में। यूएपीए कब आई थी? 1967 में। यूएपीए 1967 के था। न्यूज पोर्टल, न्यूज क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया। ठीक है, चाइना को कुछ दे रहा था ये। न्यूज पोर्टल कथित तौर पर संयुक्त अमेरिका के माध्यम से चीन से अवैध धन प्राप्त करता था। क्या करता था? इसका पकड़ाया भी था, आप लोगों ने न्यूज भी देखा होगा। न्यूज पोर्टल को कथित तौर पर संयुक्त अमेरिका के माध्यम से चीन से अवैध धन प्राप्त करता था। यूएपीए एक वैकल्पिक आपराधिक कानून ढांचा प्रस्तुत करता है, जहां आपराधिक कानून के, ठीक है, सामान्य सिद्धांत उलट जाते हैं। यूएपीए अधिनियम 1967 के बारे में जान लेते हैं। यह आतंकवाद विरोधी कानून है जिसे पहली बार 1967 में पेश किया गया था। यूएपीए व्यक्तियों के संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रावधान करता है और 180 दिनों तक बिना मुकदमे को उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है। जांच 90, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, 180 दिनों तक बिना मुकदमे के उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है। जांच 90 दिनों के भीतर पूरी होती है और यदि नहीं हो तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत के पात्र होते हैं। यूएपीए सख्त जमानत आवश्यकताओं को लागू करता है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, बेगुनाहों की धारणा को उलट देता है। ठीक है, ये सारे यूएपीए 1967 में आया था, आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए कानून है। ठीक है, संगठन को भी कर सकता है, व्यक्ति को भी कर सकता है। ठीक है, दोनों को कर सकता है। यूएपीए दोनों पे लगता है, व्यक्ति पे भी लगता है, संगठन पे भी लगता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट यही चीज है। आपसे ओटीपी, ओटीटी प्लेटफॉर्म विनियम। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या ओटीटी होता है ओटीटी का? ओवर द टॉप। क्या होता है? ओवर द टॉप। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? आप हॉटस्टार पर मूवी देखते हैं,
अमेजोन सर, प्राइम चलाते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, ये सब क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, मेटी द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के द्वारा शासित होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म ट्राई एक्ट के दायरे से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म को ट्राई के दायरे से बाहर रखा गया है, ध्यान में रखना है, ठीक। किसके द्वारा नियमित, तो ये अधिसूचित किसके द्वारा होते हैं, तो मेटे को द्वारा, MEITY के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है। कब है, तो 2001 के द्वारा शासित, 2021 के द्वारा शासित होते हैं। जेवर ओपेट के लिए DXN कोड है, जेवर एयरपोर्ट के लिए DXN कोड क्या है, तो आईटा, IATA ने, ठीक है, जेवर हवाई अड्डा नोएडा को अपने स्वयं के अंगूठे अंतरराष्ट्रीय 3 अक्षर वाले कोड DXN से सम्मानित किया है। तो IATA ने जेवर हवाई अड्डा नोएडा को अपने स्वयं के अनूठे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय 3 अक्षर वाला, ठीक है, DXN से सम्मानित किया। तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, तो नोएडा में पड़ता है, ठीक है। ये दिल्ली नोएडा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का स्वामित्व ज्यूरिख एयरपोर्ट के पास है। जेवर एयरपोर्ट का स्वामित्व किसके पास है, ज्यूरिख एयरपोर्ट के पास है। अब चलेंगे हम जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा क्या है यहाँ पे। तो जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा की बात करेंगे, तो जलवायु भारत जलवायु सेवाओं के लिए अपना पहला राष्ट्रीय ढांचा, ठीक है, NFCS लॉन्च करेगा। क्या होता है, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भारत मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध कार्य मंच लाना है, ठीक है। शामिल की बात करेंगे, तो शामिल प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे, तो कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंध, स्वास्थ्य और पानी, क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे और भी देखेंगे, तो सबसे पहले जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा लाया गया है, कौन लॉन्च लॉन्च करेगा, तो यहाँ पे भारतीय जलवायु सेवाओं के लिए अपना पहला राष्ट्रीय ढांचा NFCS लॉन्च करेगा। निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी की बात करेंगे, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है। उद्देश्य की बात करेंगे, तो जलवायु जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध कार्य मंच लाना है, ठीक है, ध्यान रखें। शामिल प्रमुख क्षेत्र की बात करें, कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और पानी है। NFCS की बात करें, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, ध्यान रखें क्या होता है इसका, तो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज पर आधारित है। यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विस के बारे में जान लेते हैं, तो क्या क्या चीज है। तो 2009 में जिनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। अपने अपने देश में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के नेतृत्व में अपने कार्य करती है। 5 प्रमुख घटक क्या है, तो अवलोकन और निगरानी, ठीक है, क्या लिखा है, अनुसंधान, ठीक है, मॉडलिंग और भविष्यवाणी, जलवायु सेवा सूचना प्रणाली, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्धारण। प्राथमिकता वाला क्षेत्र की बात, कृषि और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जल और आपदा जोखिम में कमी, ये सारे चीज को मतलब काम करती है जलवायु सेवा के लिए राष्ट्रीय ढांचा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान में रखना है, GFCS, ठीक है, जेनेवा में आयोजित हुआ था 2009 में, ठीक है। क्या क्या काम करेगी, तो अपने अपने देश में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के नेतृत्व में कार्य करेगी, ठीक है, मुख्यतः एनवायरमेंट के लिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नोडल एजेंसी कौन है इसके, जलवायु सेवाओं के राष्ट्रीय ढांचा के लिए नोडल एजेंसी, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतिम वन मंजूरी हासिल कर ली है, ठीक है, अंतिम रूप से वन मंजूरी हासिल कर ली। क्या है ये, तो नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है, ठीक है। केन नदी का पानी बेतवा नदी में डाला जाएगा, ध्यान में रखिए, दोनों नदी है, यमुना की सहायक नदी। केन बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी यमुना की सहायक नदी सहायक है, तो ध्यान में रखिएगा, यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। इसमें किसका पानी किसमें डाला जाएगा, तो केन का पानी बेतवा में डाला जाएगा, ठीक है। बहुत सारा आपको NOC लेना पड़ता है, तो अंतिम अंतिम रूप से फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस जो होता है, सो इसको मिल गया। कौन कौन बांध बनेंगे, दौधन बांध, लोअर्स और बांध और कोठा बैराज, तीन बांध बनाने की बात की गई है। 10.6 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्रदान करता है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी और एमपी के 13 जिले, किसमें, बुंदेलखंड क्षेत्र में काम करेगी, जिसमें यूपी और एमपी के 13 जिले में स्थित जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, 42.6 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य बाघ निवास स्थान में स्थित है, ठीक है। यह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया, कब किया गया, केन बेतवा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
का नदी जोड़ो कार्य की बात करें, पेरियार परियोजना पहले जो हो चुका है, पेरियार बेसिन से बगई बेसिन तक पानी का हस्तांतरण किया गया है, ठीक है। रावी ब्यास सतलज सबको जोड़ा गया था। राष्ट्रीय जल ग्रिड जल संपन्न क्षेत्रों में जल की कमी वाले क्षेत्रों की जल हस्तांतरित करना इनका काम होता है। तब ये बताएंगे आप हमें केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की बात करें तो कौन कौन नदी है इसमें, केन और बेतवा नदी दोनों के दोनों किसकी सहायक नदी, केन बेतवा यमुना की सर। यमुना यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में नदी को जोड़ा जाएगा, ठीक है। कौन कौन नदी, केन बेतवा नदी की, इसमें केन नदी का पानी किस में जाएगा, बेतवा में डाला जाएगा, ठीक है। दोनों की दोनों नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। कौन कौन सा बांध इसमें बनेंगे, तो एक दौधन बांध है, दूसरा कौन सा है, लोअर ओर बांध लोहा है, और दूसरा कोठा बैराज है, ठीक है। कोटा 1,00,000 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्रदान की, 10.62 लाख, 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी, कितना मेगावाट बिजली मिलेगी, 103। 103 इसके से राज्य लाभान्वित होंगे, तो यूपी और एमपी के बुंदेलखंड का जो हिस्सा जो होता है वो पन्ना ज्यादातर लाभान्वित होंगे। कौन सा एक टाइगर रिजर्व भी इसमें पड़ेगा, तो पन्ना, टाइगर। ठीक है, ध्यान में रखें। तो ये जो 42,206 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य है, बाघ निवास स्थान में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में, एमपी में कि यूपी में, एमपी में, ठीक है। कब का योजना था, प्रस्तावित योजना कब का है, 1999 उन्नीस सौ का देखिए हम लोग कितना स्पीड में काम कर, 1999 का है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, अभी तक ये शुरू भी नहीं हुआ है, देखिए। मतलब अब जाके फाइनल हुआ है। पूर्व में पेरियार बेसिन से बगई बेसिन तक को हस्तांतरण किया, रावी ब्यास सतलज को जोड़ा गया है, ध्यान में रखेंगे। अब चले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यकारिणी प्रणाली पे, ठीक है, 359वीं बैठक क्या हुआ, तो एक संसदीय समिति ने सिफारिश की कि छोटे स्मारकों की सूची को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। भारत में कितने स्मारक है संरक्षित स्मारक, 3691 केंद्रीय संरक्षित स्मारक, लघु स्मारक है। समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो बी विजय साई रेड्डी, जो कि मतलब YSRCP, ठीक है, राज्यसभा के सांसद भी है। अब चलेंगे बैगा आवास अधिकार, बैगा आवास अधिकार कहाँ का है, तो बैगा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, बैगा जनजाति, छत्तीसगढ़ में। तो बैगा जनजाति की बात करेंगे, जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास अधिकार प्राप्त करने वाली दूसरी पीबीटीजी बन गई। प्रथम की बात करेंगे तो कमार है, प्रथम जनजाति कौन है, कमार। लाभ उनके आवास के प्रारंभिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, जैव विविधता के बौद्धिक ज्ञान आदि पे अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी के आवास का अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। पीबीटीजी केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। तो इनको जो आवास का अधिकार मिला बैगा जनजाति को, इससे पहले किसको मिल चुका है, तो कमार को मिल चुका है, ठीक है। पीबीटीजी के बारे में जान लेते, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार पीबीटीजी है तकनीकी रूप से पिछड़े पृथक और दूरदराज क्षेत्रों में निवास करने वाले, स्थिर या घटती जनसंख्या वृद्धि वाले, साक्षरता के अत्यंत निम्न स्तर, निम्न स्वास्थ्य सूचकांक भी उनके पास होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर ये सब होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, MOTA मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, 75 PVTG की पहचान की है। छत्तीसगढ़ में कितने, 3 है, छत्तीसगढ़ में 3 के पास आवास का अधिकार है। पहला कौन है, तो ध्यान, भरिया, दूसरा क्या है, कमार, और तीसरा कौन है, मतलब बैगा, ठीक है, तीसरा बैगा, मतलब 3 के पास मतलब आवास का अधिकार, कौन, भारिया, कमार और बैगा, तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ का, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 18 राज्य में, क्या, पीवीजीटी का क्या है, प्रिमिटिव कुछ ऐसे करके है ना, बिहेवियर, पर्टिकुलर पीवीजीटी वल्नरेबल का फुल ट्राइबल, फॉर्म, पर्टिकुलर वल्नरेबल हाँ वही ट्राइबल होगा, ठीक है, वल्नरेबल, जो कि मतलब क्या, प्रिमिटिव क्षरण होने और वाले जो ये हैं, तो ट्राइब है। एक तब भी से वर्नेबल होगा, टी से ट्राइब होगा, जी से क्या ये हो जाएगा, पर्टिकुलर है, जी पर्टिकुलर से ग्रुप होगा सर, हो सकता है, हो सकता है, जो भी हो ट्राइबल से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। हो सकता MOATA का क्या हो होगा, सकता मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल प्रिमिटिव अफेयर्स मोटा का, होता है। मोटा का क्या होगा, मोटा का वही होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल सुना अफेयर्स, आपने। सर्च मारिए ने क्या है, पता चल जाएगा, ठीक है। 18 राज्यों को कवर पीवीटीजी, किए। पीवीटीजी तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यही होता है पीवीटीजी। हाँ ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान रखें, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ के 3 जनजातियों का आवास का अधिकार है, कौन कौन है, अभी बैगा को मिला, उससे पहले 2 को मिल गया, कौन कौन है, भारिया, और कमार कमार, और बैगा। चलिए डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 क्या है, ये तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को नए डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 में प्रतिस्थापित किया जाएगा। संबंधित मंत्रालय कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, MEIT है, ठीक है, TOT,
क्या बोलते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म बोलते हैं, अरे जैसे मूवी वगैरह के कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, ओटीटी। ओटीटी को यही, मतलब ओटीटी को यही रेगुलेट करता है, ठीक है, मेटी ही करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुख्य घटक की बात के ऑनलाइन सुरक्षा विश्वास और जवाबदेही, खुला इंटरनेट और एआई और ब्लॉकचेन जैसी एक नई प्रौद्योगिकी के नियम की बात करेंगे, जिसमें 2026 के डिजिटल इंडिया लक्ष्यों को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल किया गया। 2026 तक, मतलब के मतलब डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को $1 ट्रिलियन तक बनाना है। मेटी की बात के सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत की समीक्षा करने पर भी विचार कर रहा है, जो ट्विटर और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता द्वारा उन पर पोस्ट की गई सामग्री के जवाबदेही होने से बचाता है। ये मतलब बड़ा, मतलब गलत चीज भी एक तरह से देखेंगे। सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत को मतलब क्या करता है, बंदरगाह सिद्धांत, बंदरगाह के जगह पे कुछ और होगा, ठीक है, सिद्धांत की समीक्षा करने पर भी विचार कर रहे, जो ट्विटर और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता द्वारा उनपे पोस्ट किए गए सामग्री के लिए जवाबदेह होने से बचाता है। मतलब ट्विटर वगैरह पर अगर कुछ अगर पोस्ट कर दिए गए तो ट्विटर इसके लिए या फिर फेसबुक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, जो ट्वीट किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अतिरिक्त रूप डिजिटल व्यक्ति के डाटा संरक्षण अधिनियम है, डिजिटल इंडिया अधिनियम नियम है, राष्ट्रीय डाटा गवर्नमेंस संशोधन है, साइबर अपराधों के लिए आईपीसी संशोधन, ठीक है, तो ये सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो पहले 2000 में चलता था, लेकिन 2000 में क्या था भाई साहब, तो 2000 में तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लाया था, तो उस समय इंटरनेट उतना एक्टिव था ना, उस समय फेसबुक उतना चलता था ना, तो ट्विटर था, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था ना, तो ब्लॉकचेन था, एआई नहीं था, कुछ भी नहीं था। नया युग में जब प्रवेश किए तो इसी कानून को मतलब क्या किया, संशोधित किया गया, और 2023 का मतलब एक्ट लाया गया, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा होगी, विश्वास और जवाबदेही। विश्वास और जवाबदेही कहने का मतलब है से आपका डाटा वगैरह सुरक्षित रहेगा। खुला इंटरनेट, ओपन इंटरनेट, एआई और ब्लॉकचेन जैसी नए की प्रौद्योगिकी के नियम को मतलब रेगुलेट करने के लिए लाया गया। किसके द्वारा, मेटी के, मेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो भी टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या है। ऑपरेशन अजय कहाँ पे चल रहा है, मास इजराइल, युद्ध में सर, इजराइल ने मास युद्ध में, इजराइल में चला है। इजराइल से हम अपने नागरिकों को लेकर आए, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध में फंसा हुआ है। नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। इजराइल ने इजरायली क्षेत्र पर हमास के पहले जवाब में ऑपरेशन आयरन स्क्वायर शुरू किया है, ठीक है। हमास ने इजराइल पर आयरन सॉरी ऑपरेशन कौन चलाया था, अल अक्सा अभियान के तहत किया गया था, ठीक है। पठानकोट पर हमला हुआ 2016 में, अज्ञात बंदूकधारियों ने, ठीक है, पठानकोट एयरबेस पे, ठीक है, हमले 2016 के मुख्य साजिदकर्ता, ठीक है, शाहिद लतीफ की हत्या कर दी है, ठीक है। तो अज्ञात बंदूकधारी ने पठानकोट एयरबेस हमले 2016 के मुख्य साजिशकर्ता जो था शाहिद लतीफ, इसकी हत्या कर दी है। वो जैसे मोहम्मद का सरगना था, पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान में भारत द्वारा वांछित किसी आतंकवादी की छठी हत्या है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जो सर हम समझ रहे हैं अगर वही आप समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे छठी आतंकवादी की हत्या हुई है, जो पाकिस्तान बेस बनाकर रह रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसी में से ये शाहिद लतीफ था, इसका भी हत्या कर दिया गया है, ठीक है। चलेंगे, आप देखें क्या, अटल बिहारी दिव्यांग खेल परीक्षण केंद्र, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के लिए भारत के पहले हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। एक समावेशी और सुलभ खेल प्रस्तुति तंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो अटल बिहारी दिव्यांग खेल परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हो, तो ग्वालियर मध्य मध्य प्रदेश में, प्रदेश में, ठीक है। सियाचिन में मोबाइल टावर लग गया, बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पे पहला मोबाइल टावर स्थापित किया गया, ठीक है, स्थापित भारत सरकार निगम लिमिटेड BSNL के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन, जहाँ पे कोई नहीं पहुंचे वहां पे भी BSNL ने अपनी पहुंच बना ली है, ठीक है। तो आज आज क्या करेंगे, 20 तक की करंट अफेयर्स को रखेंगे, बाकी के लिए कल, 20 से लेके आगे कल मतलब कंटिन्यू करेंगे, ध्यान में इसको आपको रखना है। अभी क्या कर रहा हूँ बताइए, यू हैव टू ऑप्शन, यू हैव थ्री ऑप्शन, सेट, बिहार बिहार, एंड स्पेक्ट्रम, परफेक्शन, सॉरी परफेक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी लक्ष्मीकांत, 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 बिहार बताइए, करवा दीजिए सर। बिहार वोट कीजिए आप लोग, एक आदमी से नहीं चलेगा, और भी आदमी वोट कीजिए। सेट भी 75 करवाना है, पता है ना, बिहार में सोएंगे तो नहीं आप लोग, नहीं सर, नहीं सोएंगे सर। ठीक है।
जैसा इच्छा। ज्योग्राफी वाला क्लास आज यूट्यूब पे डाल दिया, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? जिनका भी छूटा ओके था। शुरू किया जाए। कहाँ तक हम लोग बिहार में पढ़े थे? गुप्त गुप्त कल्पना शायद। कल्पना ये वाला पीडीएफ अच्छा लग रहा है देखने में, या फिर देखने में ये अच्छा लग रहा है? आप लोग से विचार लेना चाहते हैं। या कौन खुल गया, उसी तरह से बनाएंगे। ये अच्छा लग रहा है।